कॉर्पोरेटर में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर थर्टीन की कॉर्पोरेटर डॉक्टर परिणीता फुके परिंदा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत Thank है परिंदा मैम राजनीति में एक काफी लंबा सफर तय करके आई है उसके साथ साथ, साथ स्कूल की संचालिका है हिलफोर्ड पब्लिक स्कूल की उसके साथ साथ एक घर का भी कार्य बहुत बखूबी निभा रही है और इनके सफ़र और इनकी इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ से मिली और आगे की योजनाएँ क्या है सारी बातें करते हैं डॉक्टर परिणीता फूके से डॉक्टर परिणीता कहीं ना कहीं ये राजनीति का सफ़र सभी को पता है कि इंस्पिरेशन आपको घर से मिली <laughs> एक सर के पीछे कहीं ना कहीं सर एक बहुत अच्छे एक्टिव फेस रहे हैं बीजेपी के आपका सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि राजनीति में आना कैसे डिसीजन लिया राजनीति में आने का डिसीजन शायद वो मेरा डेस्टिनी होगा तो आ, जब पांच साल पहले ऑलमोस्ट मेरा अभी ये फर्स्ट टर्म खत्म होने में आया है पांच साल हो रहे हैं तो पांच साल पहले जब ये डिसाइड हुआ कि एनएमसी इलेक्शन आ रहे हैं तब यहाँ से मेरे हस्बैंड थे कॉर्पोरेटर ऑलमोस्ट ही वाज एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर फॉर लास्ट टेन इयर्स और उसके पहले वो एमएलसी बने और उनके सीट पे सब ने कहा कि किसी अच्छे फेस को लाना है हाँ। क्योंकि उनका काम सही में बहुत अच्छा था और मैंने खुद देखा है किस तरह से काम वो करते थे डे नाइट और रियल वर्क उनमें था तो आ, मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि जब लोगों के लिए हम काम कर पाते और जो सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पे दिखता था तो एक अलग आनंद हमें होता था <laughs> तो जब मुझे सबने कहा कि एक आपके घर से कोई होना चाहिए <laughs> या क्योंकि उनका हमेशा लगता था कि परिणय जी अगर रहते तो हमारा काम होता ऐसा एक उनका कॉन्सेप्ट <laughs> सबका एक परसेप्शन हो गया था तो सबने कहा कि आ, आ, मैंने कॉन्टेस्ट करना चाहिए और फिर आ, जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था टू सर्व द सोसाइटी बेस्ट थिंग जो मैं कर सकती हूँ तो चुदा। आ, उस तरह से मैंने एंट्री की और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप किया मैं कह सकती इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ हम आ, देखो बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं करें लेकिन एक ट्रैक चाहिए होता करने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से शायद मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगी उनके काम

पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं तो मेरा पहले का भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही था अभी भी मुझे वही एनवायरमेंट मिला था तो मैंने दिन भर यानी हमेशा लाइफ लॉन्ग देखा है काम करते हुए लोगों को लोगों के साथ रहते हुए तो यह कहीं ना कहीं बैकअप माइंड में था कि अगर चांस इन्हें अगर वो मुझे मिल गया और तो मुझे वो ग्रैप करना चाहिए और काम करने की तो हमेशा मेरी इच्छा रही है तो और सोशल वर्क में वैसे भी एक्टिव थी परिणय जी के पीछे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम हम करते रहते थे तो एक अच्छा अनुभव है लाइफ के डिसीजंस कई बार राउंड टेबल पे होते हैं आपके डिसीजंस डिनर टेबल पे डिसाइड और आपने उस सफर को तय किया आ, उसके बाद एक स्कूल को संभालना एक संचालिका का सफ़र राजनीति से स्कूल ये किस तरह का रहा नहीं स्कूल ये मेरा आ, पहले आ, आ, स्टार्ट किया था मैंने तो एज एन एजुकेशनस्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट yes. था क्योंकि mm -hmm. वहाँ पे भी एक अगर आप देखो तो एक बच्चे बच्चों को छोटे से बड़ा करना अपने स्कूल में नर्सरी से लेकर टेंथ तक पहुंचाना वो भी एक अलग yes. अपने आप में आ, एक जी. काम है जो उस बच्चों पे आप वर्कआउट करते Very हो true. और जब वो बच्चा टेंथ में अच्छा मेरिट में आता है या yeah. कोई भी बच्चा जिसको हम घड़ा घड़ोने से जो काम भूल ना वो वो भी एक सेटिस्फाइंग जॉब है तो हमने जब स्कूल खोला तो वही था कि मुझे उस पर बहुत काम करना है और बीन एन एम बी ए स्टूडेंट मैं स्पेशली आई एम एन इंजीनियर मैंने इंजीनियरिंग किया फिर एम बी ए किया और फिर पी एच डी किया मैंने मैनेजमेंट में तो uh, कुछ uh, कुछ महीने uh, मैंने एल ए डी कॉलेज में लेक्चरशिप भी की एंड देन आई आई थाट कि हमने क, uh, इसी फील्ड में एजुके एज एन एजुकेशनल मुझे काम करते रहना है करके हमने स्कूल स्टार्ट की और uh, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज टेंथ तक हमारा पूरा स्कूल है एंड इट इज़ डूइंग गुड एजुकेशन सेक्टर में भी परिंदा मैम का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमेशा आप अपने टेक रखती रही हैं कहीं ना कहीं उसके लिए आपने काम किया है एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें मैम तो पहले के दौर में अब के दौर में बहुत फ़र्क है अब कोविड के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है क्या कहेंगे आप इस पर नहीं डेफिनेटली uh, देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन सबसे मेन जो चेंज आया है ये ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन में आया है mm -hmm. और uh, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं है। जैसे ऑफलाइन के भी थे ऑनलाइन के भी हैं mm -hmm. तो ऑनलाइन uh, में बच्चों को घर से पढ़ने का एक अच्छा एडवांटेज मिला क्योंकि mm -hmm. उसमें टाइम सेविंग होता mm -hmm. है थोड़ा टाइम लगा उनको ये सब जानने के लिए समझने के लिए बट mm -hmm. अभी वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और काफी लोग उसको सराह यानी अच्छा लग रहा है काफी लोगों को इसमें उनको स्पोर्ट्स के लिए टाइम मिल रहा है अपने क्रिएटिव एक्टिविटीज के टाइम okay. मिल रहा है पर कुछ बच्चे शायद इसको ग्रा, ग्राफ्स नहीं कर पा नहीं रहे हैं समझ है। नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए ऑफलाइन एजुकेशन मस्ट है और ऑफलाइन इतना डायरेक्ट हम ऑनलाइन में नहीं शायद उनके डाउट्स क्लियर होते हैं तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि स्कूल खुल रही गवर्नमेंट <laughs> ने जीआर दे दिया है Very कि आप स्कूल cool. खोल लो और ऑलमोस्ट सारी स्कूल्स खुल गई है पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड है भेजने में जी. और यहाँ पे जैसे इस बार जो जीआर निकला निकला उसमें क्लियर उन्होंने बोला है कि अब स्कूल बंद नहीं करेंगे जो भी होगा भले अगर आपके स्कूल में कोई पॉजिटिव आता है बच्चा तो उसके आजूबाजू आने वालों को आइसोलेट करना है पंद्रह okay. दिन बट अभी पूरी स्कूल बंद नहीं होगी हाँ। तो कोई पेरेंट्स को अपोज भी कर रहे हैं कि नहीं इतने कोविड में स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी, जरूरत थी। तो मुझे उनको यही कहना है कि देखो कंपल्शन किसी को नहीं है यह आपका खुद का डिसीजन है अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत भूजा हाँ आप ऑनलाइन कर सकते हैं बट जो बच्चे जाना चाहते हैं क्योंकि देखो उसमें भी आप देखो कि थोड़ा सा बाकी का बच्चों का लॉस हुआ है फिजिकल एक्टिविटीज का लॉस हुआ है बाहर नहीं जाने से इवन मेंटल जो साइकोलॉजिक थोड़े से प्रॉब्लम बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं उसको स्टेबल uh, लाने के लिए ऑफलाइन एजुकेशन मस्ट है और वो अभी स्टार्ट हो गया है तो डिपेंड्स ऑन दे वांट टू सेंड वो भेज सकते हैं नहीं तो वो घर से भी एजुकेशन ले सकते हैं मैम एक बहुत ही ऐसा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ पर्सनली <laughs> इतनी सारी चीजों को आप कैसे बैलेंस करती हैं घर है बच्चे हैं हस्बैंड तो साथ है उसके बाद राजनीति है स्कूल है ये सारी चीज़ें आप कैसे बैलेंस हैं हैं एक सिंपल सा है इज इज अ अ विल वे अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप डेफिनेटली mm -hmm. कर सकते हैं mm -hmm. मुझे आ, जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो काफी लोगों ने कहा कि आपने इंजीनियरिंग किया है एम किया है बी तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते क्योंकि देखो उसमें भी ना पॉलिटिक्स में स्टेरो हो गया है कि पढ़े लिखे लोग कम आते हैं ऐसा लोगों yes. की सोच हो गई थी जी. कि या उनका इंटेंशन अलग होता है इसलिए पॉलिटिक्स जी. में आते हैं तो जब परिणत जी थे उनका भी वो भी डॉक्टरेट है उन्होंने हाँ. भी एमबीए किया है बट uh, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यंगस्टर्स uh, ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए अब ये uh, उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए और आप अगर आपको जो एडवांटेजेस है उसके साथ आप पॉलिटिक्स कीजिए उसके साथ आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं मैंने मैंने उस चीज को आजमाया है यूटिलाइज किया है और देखो बहुत कुछ आप भी सीख सकते हैं और आपके लर्निंग से काफी कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं

को चाहिए और आपने बिल्कुल है तो करने चाहिए क्योंकि अब जो यंग जनरेशन है वो भी इंटरेस्ट ले रही है एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिकॉज पॉलिटिक्स इज लाइक सिर्फ झगड़े सिर्फ राजनीति नहीं होती पॉलिटिक्स इज लाइक कि आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अपनी जनता के लिए आप जो चाहते हैं कि इस तरह की सरकार बननी चाहिए इस तरह से आपको अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए अगर चाहते हैं तो यंग जनरेशन ने आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है आगे की जनरेशन के लिए राइट देकल। मैम एक कॉर्पोरेटर का काम बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ इतने सारे जो हमारे मेंबर्स होते हैं वार्ड मेंबर्स होते हैं इसके साथ हमारे जो लोग हैं वो बहुत नाराजगी रहती है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते <laughs> आपके लिए कितना डिफिकल्ट <laughs> राइट सफर आपने जैसे कहा कि कभी सेटिस्फाइड नहीं होते <laughs> तो ये सच है देखो आप कितना भी काम करो सेटिस्फेक्शन जैसे एक काम होता है तो दूसरा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है वो खत्म होता है लोग समझते हैं ऐसा नहीं।, नहीं उनको अगर आप समझा के बताओ कि ठीक है आपका ये काम हो चुका है और हम जो है वो भी हम करके देंगे धीरे धीरे अफकोर्स इट इज अ टफ जॉब क्योंकि आप सबको नहीं कर सकते अभी प्रभाक सिस्टम है प्रभाक सिस्टम होने से बहुत बड़ा एरिया हो चुका हुँ, है हुँ, तो आप सोचो एक 60 65000 पॉपुलेशन के आसपास एरिया है तो इतने बड़े एरिया के लोगों को पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना इज नॉट एन इजी जॉब तो आ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने काम किए लोगों के तो खुश पक्का होते हैं और काम करने का एटलीस्ट जज्बा रखिए और सबसे बड़ा तो पेशेंस है आपको तो पेशेंस <laughs> रखना बहुत, बहुत जरूरी, जरूरी है, है। <laughs> क्योंकि सब प्रकार के लोग मिलते हैं और सब प्रकार के लोगों से डील करना आपको होता है और तो कहीं ना कहीं आप अगर उनसे अच्छे से बात कर लीजिए उनके प्रॉब्लम को सुन लीजिए क्योंकि उनका जो गुस्सा आने का जो कारण होता है उसमें यह होता है उनको लगता है कहीं ना कहीं मेरी बात सुनी नहीं गई या उसको समझी नहीं गई तो मुझे यही है कि आपको नगर सेवक आप बने हुए आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट की है तो उतना पेशेंस आपने रखना चाहिए उतना समझ आपने रखनी चाहिए कि अगले वाले को आपने समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश तो होनी चाहिए जी, और मुझे लगता है ना वो बिल्कुल खुश रहते होंगे हमेशा राजनीति में <laughs> कितनी कि काम तरीके से हर चीजों को समझाती है किन किन चीजों की आपने जब आप यहाँ पर एज एन कार्पोरेटर आई किस तरह के कार्य हुए किस तरह की जरूरतें थी जो पूरी हुई और क्या लगता है आपको किन चीज चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी हम कॉरपोरेटर बोलते हैं तो लोगों के आ, में ये आता है कि हमको गटर सीवर लाइन के काम करने हैं, मीटर वाटर मीटर तीन चार चीजें हमको सबसे पहले ध्यान में आती हैं। तो मुझे ये समझना है कि कॉरपोरेटर के लिए सभी चीजें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए जहाँ हेल्थ सेक्टर भी है एजुकेशन सेक्टर भी है तो जब मैं कॉरपोरेटर बनी तो मैंने ये दो चीजों को भी उतना ही मायना दिया और मेरे प्रभाग में सबसे अच्छा काम हुआ कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे काम हुए मैंने हॉस्पिटल डेवलप किया इंदिरा गांधी रुग्णालय ये बहुत ब, आ, जी, बड़ा हॉस्पिटल है जो मेरे प्रभाग के लिए बहुत जरूरी हॉस्पिटल था लेकिन वो मैं जब फर्स्ट टाइम एंटर किया तो देखा कि बहुत ही बेकार तरीके से पड़ा हुआ था तो इसको मैंने हैंडल किया और आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे वो बन चुका है इतना पॉश हो दवा खाना है और सारी फैसिलिटीज़ हमने देने की so कोशिश की है सो कंटिन्यू फॉलो अप रख के मैंने उसको बनवा के लिया है दूसरा मैंने यूपीएससी सेंटर मेरे प्रभाग में बनाया अर्बन हेल्थ केयर सेंटर जो अभी कोरोना के वक्त जब मैंने ये काम हाथ में लेते तब मुझे पता भी नहीं था कि शायद कोरोना जैसे कोई काल अपने आ, आ सकता है तो ये तो सिर्फ मेरा विजन था कि हेल्दी प्रभाग होना चाहिए हेल्थ के पूरा हमारे पास होना चाहिए करके मैंने ये तीन चार हॉस्पिटल्स तैयार किए और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा उन्होंने उसका यूटिलाइज हुआ।, हुआ।, जैसे आर टी टेस्ट जो बहुत महंगे हाँ, थे यहाँ मेरे यहाँ मैक्सिमम स्लम है मेरे प्रभाग में हाँ. तो उनके लिए ये हॉस्पिटल्स बहुत यानी सेवा देने वाले थे हुँ, और हुँ. उनको भी इस बात का अभी खुशी है जी. कि चलो एक अच्छा हमारे प्रभाग क्योंकि बाहर के लोग भी वहाँ के वैक्सीनेशन लेने आते थे इंदिरा गांधी के और मेरे प्रभाग में जो है वो आर करने आते थे तो आ, वो एक बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग वर्क हुआ है mm -hmm. दूसरा एजुकेशन सेक्टर में आ, काम करने की कोशिश मैंने की है जो हमारे आजू बाजू के स्कूल्स हैं। mm -hmm. उसमें डेवलपमेंट करने का okay. प्रयत्न किया mm -hmm. है और अभी जो एन ने छह स्कूल्स ओपन किए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो उसमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने मेरे प्रभाग में रामनगर में शुरू की है तो जो प्री प्राइमरी से स्टार्ट होती है नर्सरी के वन के जी तो वो भी एक अच्छी उपलब्धि हमारे यहाँ के सारे नागरिकों के लिए हुआ है उसके अलावा रोड डेवलपमेंट है तो सिवर लाइन के डेवलपमेंट है ये अनएंडिंग है हाँ, ये तो अनएंडिंग तो... है और देखो ये काम चलते, चलते रहने वाला रहे हाँ। है तो होता है किसी को लगता है कि ये काम कर दिया ये नहीं किया या किसी को लगता है मेरा कर दिया इनका नहीं किया तो वो पॉसिबल है उसको एडजस्ट करके चलाना पड़ता है और हमेशा ट्राई मैं यही करती हूँ कि सबके ही काम हो तो कुछ कुछ छूट जाते हैं हो जाते हैं तो किसी की नाराजगी रहती है कोई खुश होता है हाँ। तो वो तो समझ के चलने वाला वो काम है एक धीरे धीरे बैलेंस होता है चीजें एक, तो एक मैंने एस टी पी प्लांट भी अभी मेरे प्रभाग में एक डागल आउट करके जगह है जहाँ बहुत बड़ा नाला है तो वहां पे हमेशा दुर्गंध का प्रश्न था हमेशा मच्छरों का ये था तो वहाँ मैंने एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अभी okay. आ, लगाया है उसका हम लोग अभी कुछ दिन में उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं तो वो एक अच्छी उपलब्धि लोगों के लिए होगी जिसके वजह से अब वो नाले का पानी आ, हमेशा स्वच्छ रहेगा हाँ। और उसकी वजह से मच्छर भी नहीं होंगे दुर्गंधी नहीं होगी okay. तो उस परिसर के लिए वो एक बहुत अच्छा काम हो गया है तो ऐसे बहुत सारे काम है जो किए हुए हैं बहुत सारे हैं जो करेंगे और चलता रहता है काम होते रहेगा वो तो है वो जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती ये तो है बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यूर डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी एल ए डी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर वासने मीटिंग बुलाई क्या यार आदमी की तकलीफ को तो समझो बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com डब्ल्यू डॉट पाइल्स फेस्टूला क्योर डॉट कॉम मैम कोविड का एक काल जैसे आपने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ आएगा एक पैंडामिक एक ऐसा आ रहा था कि एक बहुत ही अनइमेजिनेबल था लेकिन इस काल में आप लोगों का कार्य बढ़ जाता था लोगों से संपर्क बनाना उनके साथ एक अलग रिश्ता बनाना ये काल कैसे आपने मैनेज किया हाँ बराबर है कि कोविड अचानक आया हुआ ये था तो जब कोविड आया तो बहुत लोगों के जॉब चले गए खाने पीने का सबका ये नहीं था तो मुझे आ, सही में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया Uh, मैं प्रभाग की नगर सेविका करके हमने अपने अपने प्रभाग में धान्य uh, वाटप करने का कोशिश किया फूड पैकेट्स बांटने की कोशिश की और uh, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत उस टाइम पे ली क्योंकि वो इतना डरावना टाइम था कोई भी किसी से मिलना नहीं चाहता था कोई निकलना नहीं चाहता actually. था हमें भी कोविड हुआ लेकिन हमने भी उस टाइम पे सारे लोगों ने काम किया वहां तक पहुंचने की कोशिश की जिसको जरूरत थी जो कुछ कर सकते थे वो किया जैसे कोई ऑफिस नहीं आ सकता था तो हमने ऑनलाइन भी उनको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोविजन करके दिया उनको हमने ई मेल दी कि अगर नहीं आ सकते तो आप सेंड करो विल ट्राई तो ऐसे जो कुछ प्रोविजन कर सकते थे इवन आरएसएस की बहुत मदद हुई काफ़ी एनजीओज ने उसमें मदद किया तो सबके सहकार्य से हमने अपने प्रभाग के लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता लोगों के साथ बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ पर एक डर भी था और एक इनसिक्योरिटी भी थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूरतें भी बहुत ज्यादा थी कि अब हमारी जरूरतें पूरी किस तरह से होंगी क्योंकि बाहर निकलना एक तो उस समय पर किस तरह के कार्य हुए और आपको नहीं लगता कि लोगों से एक कॉन्टैक्ट बनाना और एक उनको मोटिवेट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हाँ वो तो बहुत बड़ा टास्क ऑफ कोर्स था क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मेरे प्रभाग में स्लम बहुत बड़ी थी जी और अभी आप वैक्सीनेशन को भी आ, जब हमने स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन तो सबके दिमाग में ऐसा बैठा था कि शायद वैक्सीन लेके हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो वो अवेयरनेस लाने के लिए ऑफ बहुत हमको कोशिश करनी पड़ी अभी खैर सबको समझ में आ गया कि वैक्सीन लेना अच्छा है सबने मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन ली है वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमने चलाया है उसके लिए भी हमने सेंटर्स खोलने की कोशिश की और कोरोना के टाइम में भी जिनके जॉब चली गई या कुछ तो किसी ना किसी तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल हुआ मदद करने की कोशिश रही है अभी तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि सब कुछ सवरने के लिए बट जिसको भी आ, न, चाहिए मदद उनको करने की मैंने प्रयत्न प्रयास हमेशा रहा जी परिणाम कहीं ना कहीं राजनीति से ना जितना महिलाएं अब जुड़ रही हैं उतना एक सेक्शन है जो डरती भी है इसे एक दलदल माना जाता है लेकिन आप एक इंस्पिरेशन है आप इतने टाइम से यहाँ पर हैं और आप बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगी हाँ आपने बराबर बोला लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आ, काफी एडवांसमेंट हो गया है में आप देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके काफी हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं और नागपुर की महिला सशक्त है <laughs> आ, आगे बढ़ सकती है और आप देख सकते हो कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में एनएमसी में भी फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन से वुमेन्स को दी है तो डेफिनेटली वुमेन ने आगे आना चाहिए और जैसे मैंने आ, मेरा अपना एग्जाम्पल दूंगी जब मैं इलेक्शन फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया था तो सबको ऐसा लग रहा था कि जनरली ऐसा होता है कि जहाँ से हस्बैंड लड़ते हैं और वाइफ को मिलती है तो उनके दिमाग में ऐसा परसेप्शन हो गया है कि अरे ये तो सिर्फ नेम से एक किले खड़े हैं है अच्छा। ना इसके हस्बैंड ही काम करने नहीं। नहीं। वाले हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो परसेप्शन चेंज करना था एंड बीन मैं खुद उसमें एजुकेशन में होने के बावजूद भी किसी सबको लगता था कि इतने पढ़े हैं क्यों आ रहे हैं तो अब मुझे भी ये कहना है कि अगर मेरा इंटेंशन नहीं होता तो मैं आराम से यानी हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ अच्छे पढ़े लिखे थे आ, अच्छी जॉब करके कर सैलरी कमा के आराम से जी सकते थे यानी इट वुड बी अ वेरी बहुत अच्छी लाइफ स्मूथ लाइफ होती थी बट देखो मैंने पूरा हमारा एनवायरमेंट जो फैमिली एनवायरमेंट रहा ये हमेशा सोसाइटी के लिए काम करते रहा है परिणय जी को मैंने हमेशा देखा है सोसाइटी के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते देखा yes. हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए मोटिवेशन था एक इंस्पिरेशन था जैसे वो कहते हैं कि लाइफ मॉडल लाइफ रोल मॉडल्स वही थे मेरे मेरी फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए मेरी मेडिन फैमिली भी इसमें थी मेरी मदर सरपंच थी तो ये सब चीज़ों ने मैं एक लर्निंग प्रोसेस रहा है मेरे लिए सीखती रही हूँ तो जब मैं खुद कॉरपोरेटर बनी तो आ, मैंने हर चीज़ सीखने की कोशिश की खुद से सीखने की कोशिश की जनरल मीटिंग में मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए उस प्रश्न पे मैंने रिप्लाई मांगे तो एक अच्छा लगा कि चलो खुद के बलबूते पे हमने आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं सीखने का जज्बा होना चाहिए तो वो मैंने रखा इसलिए आज मैं खुश हूँ मेरे कामों से और जनता भी शायद खुश होगी कुछ very ना true, कुछ थोड़ा very बहुत very काम रहे तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं हंड्रेड परसेंट कर पाई फिर भी एट्टी परसेंट काम करने का मैंने कोशिश की है तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस ने खुद को एम्पावर करना चाहिए पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए और पॉलिटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन भी सोचना चाहिए इसमें मैंने एक सेमिनार भी लिया था वुमेंस कॉलेज में कि वाई नॉट पॉलिटिक्स एज अ करियर डेफिनेटली आप उसको करियर करके भी सोचो और यंग जनरेशन आना चाहिए इसमें काम करना चाहिए और जो हमारे पहले के नेता रहे हैं जो इंस्पिरेशन रहा है अपने अपने नागपुर में तो माननीय नितिन जी गडकरी है देवेंद्र जी है सर है सर तो ये सारे एक अच्छे इंस्पिरेशन है जिससे काफी कुछ सीखने मिलता है क्योंकि ये इनको मैंने ऑलरेडी ट्वेंटी फोर ऑन द दे व्हील देखा है काम करते हुए देखा है और सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है तो वो हमेशा मेरे लिए सभी लोग इंस्पिश इंस्पिरेशन रहे हैं और मुझे लगता है वुमेंस ने आगे बढ़ना चाहिए डेफिनेटली पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो सभी लोग सीखना तो पड़ता ही है हर चीज में लेकिन डर डर के अगर रहोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे तो एक कदम आगे बढ़ाना है और चलते रहना है बस वो जरूरी है वो एक इंटरेस्ट होना ही चाहिए लेकिन कदम आगे बढ़ाने का जो मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है समाज में इतनी विसंगतियां हैं लेकिन एक आपने आदर्श निर्माण किया उन महिलाओं के लिए अब भी महिलाएं हैं जो बहुत सोचती हैं आगे आने के लिए और आपने सही कहा कि महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और सबसे खास फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं जो हैं फैमिली के लिए हर चीज कर गुजर जाती हैं लेकिन अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिला तो वो सारी अपनी जो ड्रीम्स है वो छोड़ देती हैं सही कह रही हूँ जी है ना फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है आगे की क्या योजनाएं मैम कहीं ना कहीं अब तो ये सफर शुरू हो चुका है पाँच साल हो चुके हैं अब तो मुझे लगता है आप पीछे जाना चाहेंगी अब तो आप आगे ही बढ़ना चाहेंगी आगे की क्या योजनाएं रहेंगी आपकी आगे ऐसा है कि अभी इलेक्शन uh, आने वाले हैं और uh, अगर पार्टी ने uh, मुझे टिकट दिया <laughs> तो डेफिनेटली मैं कॉन्टेस्ट करूँगी आगे इलेक्शन में और मुझे लगता है कि ये जो मेरे पांच साल का जो कार्यकाल रहा है जितना मैंने सीखा है शायद इससे अच्छा काम मैं आगे कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टर्म था, था और डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम करना और डायरेक्ट काम करने में बहुत फर्क पड़ता है अभी मैं डायरेक्ट एज अ कारपोरेटर काम कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है वो सीखते सीखते शायद अब मैं प्रॉपरली उसको समझ चुकी हूँ तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं कॉन्टेस्ट करूंगी या इलेक्ट होंगी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है और वो शायद थोड़ा ईजी होगा मेरे लिए काम करने के लिए तो विजन बहुत अच्छा है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा से मैं काम करना चाहूँगी आगे बढ़ना चाहूँगी और ऑफ कोर्स सब सपोर्ट करेंगे यही अपेक्षा करती हूँ और आ, सफर जारी रहेगा अच्छा काम करने की हमेशा प्रयास रहेगा थैंक यू सो मच डॉक्टर परिणीता मैम कहीं ना कहीं हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि इतनी कामनेस राजनीति में भी हो सकती है ये इंस्पिरेशन आप महिलाओं को भी लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं मैं राजनीति ही की बात करूँ हर एक क्षेत्र में हर एक फील्ड में आप बखूबी काम कर रही हैं लेकिन वो सेक्शन ऑफ वुमेन जो अभी सोच रही हैं कि मुझे कैसे कब और क्यों करना चाहिए तो आज एक कदम बढ़ा के देखिए आप एक कदम बढ़ाएंगी तो देखिएगा जब आपको सक्सेस मिलेगा तो आप फिर सोचेंगे कि ये कदम मेरा बहुत सही कदम था आज हेलो कॉर्पोरेटर में मेरे साथ ही वार्ड थर्टीन की कॉर्पोरेटर डॉक्टर परिणीता फूके फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ तब तक ली दीजिएगा इजाज़त नमस्कार